इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है। अच्छा, मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है। इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है। पर्सनल करेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है, समझ आई? पर्सनल करेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। आप बोल लो। इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है। चूतिया बनाया तुमको। कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए। तो आप आलिम हो गए, अब ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी शेम ऑन यू। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। बढ़ गया फितना अभी से। हाँ, अभी हाँ। से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयां बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का इत्तेजाज करें और हमारे जितने भी मुफ्तिया हैं कराम हैं उनको चाहिए, उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से निकाल दें। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? हाँ भाई हाँ। कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की है आपने, तो क्या वो बाजारी है? हाँ भाई हाँ। अनमैरिड लड़कियाँ वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, दिस वो यू आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। यस, आपकी बहन है, एक मिनट, आपकी बहन है, मेरी बहन है, एक मिनट, मेरे पीछे हो जाए। आपकी बहन के बारे में कोई गलत अल्फाज बोला आप बर्दाश्त कर सकोगे? आप बर्दाश्त बोल दिया तो क्यों बोला भाई, मुसलमान कंट्री में आके क्यों बोला है? वहाँ पे जाके बोलता कि मैं लड़की हूँ और मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी हूँ, मींस के मेरी तो यहाँ में कोई इज्जत है ही नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तानी खातूनों की बात करें, मैं तो पूरी दुनिया भर के इस्लाम को मानने वाली खातूनों की बात कर रहा हूँ। इन खातूनों के दिमाग में बचपन से ही ये बीज बो दिया जाता है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इज्जत महिलाओं की कोई मजहब करता है तो वो दीन इस्लाम करता है। जब ये सुनते सुनते ये बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद ये इस बात को सच मान लेते हैं और एक ही बात को 10 बार दोहराते हैं। और इसके पीछे भी रीजन है कि ये लोग जब अपनी कुरान को पढ़ते हैं तो वो ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ते, सिर्फ रट्टा मारते हैं। जो अरबी लिखी हुई है, अरबी मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आती, सिर्फ अरबी लोगों को, या फिर जिन लोगों ने अरबी पढ़ने का कोर्स किया हो या अरबी सीखी हो, उनके अलावा अरबी कोई नहीं समझ सकता, ना आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता। ठीक है जी, ये सिर्फ रट्टे का कुरान पढ़ते हैं, कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। लेकिन जिस दिन ये तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ ले तो इनकी आधी आंखें तो वैसे खुल जाएगी। बात तो सही है, जैसे चाइनीजों की आंखें आधी बंद रहती ना, ऐसे इन खातूनों की भी आंखें बंद रहती है। लेकिन भलाओ जाकिर नाइक का, भलाओ पाकिस्तान की सरकार का, जो उसने उसको वहां बुलाया और उसने इस्लाम की तरबियत के अंदर औरत की हैसियत क्या है वो पूरी दुनिया के सामने रख दी। वाह भाई वाह। और इस्लाम के अनुसार जो भी कुंवारी औरतें सब की सब बाजार हुआ है, वो बाजावरी औरत बन जाए। खैर, जाकिर नाइक की बातें सुनने के बाद में 12 करोड़ पाकिस्तानी खातूनें कुछ से लाल हो चुकी है, बिलबिला चुकी है और जाकिर नाइक की रोड पे खड़े होकर इज्जत उतार रही है। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। ये मैं उन्हें क्या ही कहूँ, उन्हें अपने अल्फाजों में गौर करना चाहिए था कि उन्होंने हमें कह दिया कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है, तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की है आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? हाँ भाई हाँ। लेकिन सर यहाँ पर ये आपको भी निकाल के दे देंगे, जाकिर नाइक का गर्ल जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, निकल आएगा। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इतने मुफ्ती हैं, कारी हैं, उलेमा इकराम हैं, हमें तो 24 घंटे वेट करें, आप 24 घंटे वेट करें। और मेरा ख्याल है कि जहाँ जाकिर नाइक ने ये जवाब दे के गलती की ना, ये लड़की को सवाल ही नहीं करना चाहिए था इस तरह के जाहिल बंदे से, जिसने 4 से 5 दिन पहले ये कह दिया कि जौन से मुसलमान जिस जानवर का गोश्त खाते हैं ना वो हलाल है, उनका यूरन भी आपके लिए वो भी हलाल है, उनका गोबर भी हलाल है, ये भी उसने बयान कर दिया पाकिस्तान में। ये जाके इंडिया में करे ना बात, वो तो वैसे ही इंडिया वाले, अब मैं क्या बात करूं, इंडिया वालों ने निकाला हुआ इनको, वो ये वहां जाके बात करे ना, उठा लेंगे इनको, अपना भगवान मान लेंगे वो। ये जाहिलों वाला काम किया है, पाकिस्तान को इत्तेजाज रिकॉर्ड कराने जाना चाहिए इसको पाकिस्तान से बाहर। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान से निकल लो तुम जितना जल्दी हो सके, 1 महीने के लिए जो तुम पाकिस्तान में आए हो ना तो 1 महीना टिक नहीं पाओगे, गुस्ता के रसूल लगा के कोई ना कोई टांग देगा तुम्हारे को। अभी तो 4-5 दिन ही हुए तुम्हारे को
पाकिस्तान पहुंचे। पता चल गया ना पाकिस्तान, और पाकिस्तान पहुंचते जाकिर नायक हिंदुओं की तारीफ कर रहा है, हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है। ये सब दोगलापन है। इसी तरीके से हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान के बाहर नहीं गया। जब हिंदुस्तान से बाहर जाएगा और फिर वापस हिंदुस्तान आएगा, तब उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्या है। भाई स्टेट गेस्ट को क्यों बुलाया? स्टेट गेस्ट आ गया, उसका कोई खुद का बिजनेस वो तो आके पाकिस्तान को रोस्ट करी जा रहा है कि मुझसे पैसे क्यों लिए, ये इन मुसलमानों से तो इंडिया बेहतर है, इंडिया 1000 टाइम बेटर है। नेक काम नहीं दे, गाड़ियों की कंपनी है, उसने इंडिया में कितने लोगों को मुसलमान किया, मुसलमान कर दिया, आपने कितने प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अगर मैंने किसी को मुसलमान नहीं किया, एक मिनट इधर लड़के, एक मिनट मैंने नहीं, बड़े मुत्तफिक है, इधर किसी से पूछ ले, सिफाई कर दें, कर दें मुत्तफिक खड़े। गैर मुस्लिम को मुसलमान किया ना, यहाँ मुसलमान पे आके मुसलमानों की गैरत के हाथ जा रहा है, वो आपकी गैरत नहीं जाग रही। मुझे ये बताएं उसने लफ्ज जो बोले वो आपने सुने, वो लफ्ज आपने सुने जो उसने बोले, गैर मुस्लिम कंट्री में जाके वो मुसलमान कह रहा है, और मुसलमान कंट्री में आके जो ना इज्जत को उछाल रहा है, ये आपको समय में नहीं आ रहा? आपको ये नजर आ रहा, सिर्फ आपको ये नजर आ रहा है उसने गैर मुस्लिम में जाके मुसलमानों को मुसलमान किया। सर मेरी बात सुने, हमारे पास तो खुद इतने मौलवी मुफ्ती हैं, इनको बुलाने की क्या जरूरत है? यही तो बात यार, एक मिनट करने बैठ जाता है, और कोई बात बात आपकी बहन है, एक मिनट आपकी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बात है, मैं अगर आपकी बहन के बारे में कोई गलत अल्फाज बोला आप बर्दाश्त कर सकोगे? आप बर्दाश्त बोल दिया तो क्यों बोला भाई, मुसलमान कंट्री में आके क्यों बोला, वहाँ पे जाके बोलता आलम पे बोलना। अच्छा आलम का क्या क्या आलम का मतलब क्या है? जो आप आलम गलत बोलते तो उसका गलत का जवाब तो देना ना भाई, जाहिलों वाले काम करेंगे, आलम का काम होता है भाई किसी बहस कर लेगा। वो मुसलमान करते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं, कुछ भी बोल दे। क्या मुसलमान करते हैं क्या आपको? मैं भैया आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, गैर कंट्री में जाके वो गैर मुस्लिम को मुसलमान कर रहा है, ऐसे ही वो मुसलमान कंट्री में आके मुसलमानों की इज्जत के हाथ में डाल रहा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा? आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा? मुसलमान कर दिया, देखिए बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, अम्मा बूढ़ी पूछ लेती है कि बता ये दो जोड़े कपड़े के कहां से आए, एक रस्सी का पूछ लेते हैं, और आप कह रहे हो उन्होंने मुसलमान नहीं किया, तो जस्टिफाई कर तो रहे भाई, कर रहे हम लोग में से 90% तो हम लोग अपना वर्क पूरा करते ही नहीं है। एक बात का सवाल दे यार भाई, बात सुने, बात सुने, इस तरह की बात कर रहे हैं आप? ओ भाई बात सुने, करते हैं यहाँ पे खाली इंटरव्यू से कुछ नहीं बनेगा भाई जान, इंटरव्यू में कुछ नहीं बनेगा। अगर आपकी बहन बेटी के बारे में कोई गलत बोला बर्दाश्त कर सकेंगे? आपने सुना नहीं क्या बोला? सुना है तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि क्या बोला उसने? और दूसरा ये है कि अनमैरिड लड़कियां वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, दिस वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी, और इस्लाम ने तो औरत को इतनी ज्यादा इज्जत दी है, आप पढ़े लिखे एक आलम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गए, आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी स्टडी के लिए, कोई जॉब कर ली, जॉब पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन स्टडी के लिए जाती होंगी, अनमैरिड है, अभी आपने उनकी शादी करनी है, तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें, अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जाकिर नायक को जूते मारे। वाह भाई वाह। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ना कि बचपन से इनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, तो इनको भी ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ भाई सबसे ज्यादा इज्जत इस्लाम में दी जाती है, लेकिन कितनी इज्जत दी जाती है ये इसी वीडियो के अंदर एक लड़का बता देगा। कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक ही है ना, यहाँ से देखे मिसाल अनमैरिड लड़की है, ठीक है, वो गुजरिए तो हर बंदा देखेगा, मैरिड है, उसने गले में हार टांगा होता है की मैं मैरिड हूँ, मैं बुक्ड हूँ, आपको कैसे पता लगेगा एक लड़की मैरिड है या अनमैरिड है? क्या क्या कौन सी क्लास से पढ़े हुए हो? मैं नाइन्थ की है। नाइन्थ की हुई है? Yes. आपके घर में माए बहने भी होंगी, 100% होंगी, ऐसी है। आप मुझे एक बात बताओ, उनको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बोले बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? उनको तब बोले जब वो अनमैरिड हो, सिस्टर की भी शादी, मतलब आपके दिमाग में ये घुसा हुआ कि अनमैरिड है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप पढ़े, मैं आपको पढ़ा लिखा भी नहीं कहूँगी यार, एक मिनट मुझे बताओ, अनमैरिड लड़कियाँ पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैरिड लड़कियों के रेप क्यों होते हैं? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो तो बुक्ड है, बताओ।
जैसे लड़कियां ऐसे फिर लड़के भी हैं, वो भी करते हैं फिर रेप। मैं लड़कों को भी गलत कहूंगा, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी ना, मैं लड़कों को भी गलत कहूंगा। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती है, देख ले ठीक है, कहने की ना लड़के हर लड़का गलत नहीं है, ना हर लड़की मतलब का गलत है। जब उसका कोई प्रोटेक्टेड नहीं होगा उसको लोग क्या देखेंगे, क्या कहेंगे? तो ये तो लोगों की गंदी नजर है। अब आपके सामने एक लड़की जा रही है, वन सेकंड सुनिए, वो मैरिड है अनमैरिड है, आपको कैसे पता वो मैरिड है या अनमैरिड है? या फिर लड़कियां जो है वो माथे पर लिखवाए मैरिड और बुक्ड, तो आप कहेंगे कि ये मैरिड है तो इस पर हमने गंदी नजर नहीं देख, गंदी नजर से इस पे जो है वो हमने नजर नहीं डालनी। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ, औरत जो है ना अपना लिबास ठीक करे तो मर्द ना देखे, औरत पर्दे में कुत्ते के साथ रेप क्यों होता मोटरवे पे, मोटरवे पे बुरखे वाली लड़की के साथ रेप क्यों? जवाब है तुम्हारे पास? तो यार जाहिल के बच्चे। अच्छा जो मर्द ऐसे करते वो जाहिल के बच्चे, वो मर्द है ही नहीं। वाह भाई, अरे भाई वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। फाइव फिंगर नॉट इक्वल, ठीक है फाइव फिंगर आल्सो नॉट इक्वल के मामले में। मैं मर्द हूं ना, मैं ठीक हूं ना, हो सकता है ऐसे। तो तुम इनका जरा पूरा लिबास दिखाना, ये मुसलमानों वाला लिबास तो नहीं है जो इन्होंने पैंट पहनी हुई है, छोटी सी शर्ट पहनी। मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल करेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई? जवाब दें आप, जवाब दे, जवाब नहीं है ना अब इसके पास, अंग्रेज की औलाद। इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। मैं तो जाकिर नायक के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि इसको पाकिस्तानियों जितना जल्दी हो सके उतने जूते मारो, और जाकिर नायक को ये बोलना चाहूंगा भैया तुम जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान से निकल लो, जो तुम्हारी रही से इज्जत बची हुई ना उस सब का गुड़ गोबर ये पाकिस्तानी कर देंगे। अगर मेरे नजरिए से देखूं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जाकिर नायक को एक्सपोज कौन कर रहा है, पाकिस्तानी कर रहा है। मुस्लिम उम्मा गुटुड़ू गु कर रहा है। मुस्लिम उम्मा का किरदार इससे बढ़कर क्या हो सकता है? उम्मा उम्मा कर प्यारे, मुस्लिम उम्मा 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 गुटुड़ू गु, मुस्लिम उम्मा उम्मा गुटुड़ू गु। तो खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।